गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 5 ऑफ माय स्पीति ट्रिप। जो लोग अभी इस वीडियो से, इस सीरीज से जुड़ रहे हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, पहले वाली जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं वो ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि कहाँ से मैंने ट्रिप स्टार्ट करी थी और क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस करे इस स्पीति ट्रिप में। ओके सो आज है डे 5, 21 सितंबर आज डेट है। मैं हूँ इस टाइम चंद्रताल में। कल रात को मैंने आपको बताया था क्या चंद्रताल का हाल हो गया था, मौसम ख़राब हो गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मौसम इस टाइम चंद्रताल का बहुत ज़्यादा ख़राब है। बारिश हो रही है, कल रात को स्नोफॉल हुई थी, बहुत ठंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। और रिवर क्रॉसिंग जो है वो अब और स्पीड से उसमें पानी बह रहा है, फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है। कल जाते हुए मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपनी गाड़ी किस तरीके से निकाली, आप सभी को पता है 165 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, गाड़ी छोटी है। बहुत चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े, बट सबको ओवरकम करते हुए मैंने गाड़ी निकाली। आते हुए रिवर फ्लो और ज़्यादा हो गया था, अभी भी किसी ना किसी तरह गाड़ी निकल गई है। अरे बढ़िया भैया बढ़िया, बढ़िया भैया। बहुत बढ़िया। अरे भाई नाइस, तो देख खड़े खड़े निकाल रहे भाई। अरे ओपी ओ भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं। सो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, 9:45 हो रहे हैं इस टाइम पे, अब हम मनाली की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो रास्ता है चंद्रताल की ओर, लोसर से आगे, जो मैंने आपको बताया था, लोसर से आगे रास्ता बहुत ख़राब था, करीब 35 किलोमीटर। यहाँ तक जब आते हैं, जब तक ये बोर्ड आता है, इसमें लिखा हुआ है आप अगर लेफ़्ट जाएंगे तो मनाली, राइट जाएंगे तो चंद्रताल। सो मैं ऊपर से आया था, काजा साइड से आया था, इस साइड से, अगर मैं इस साइड चला जाता तो मैं मनाली की ओर चला जाता, और उस साइड जाता तो मैं चंद्रताल की ओर जाता। चंद्रताल की ओर मैं कल चला गया, रास्ता ये 9 किलोमीटर है, जब तक चंद्रताल की पार्किंग आती है उसके ऊपर आप लेक के लिए ट्रैक कर सकते हैं। ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये लगा लो कि फर्स्ट गियर से ऊपर आप गाड़ी नहीं चला पाओगे बिल्कुल भी, और आपको बिल्कुल ही ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी। जो रिवर क्रॉसिंग है उसमें पत्थर पता नहीं चल रहे कहाँ पे कितने बड़े हैं और किस हिसाब से पड़े हुए हैं। सो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि आप अपना ध्यान पूरा रोड पे ही रखें। सो ऑल इन ऑल अभी तक तो सब कुछ ठीक है, गाड़ी पूरा साथ दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होपफुली आगे भी ऐसे चलती रहे। अभी हम मनाली की ओर निकल गए हैं, फर्स्ट स्टॉप हमारा होगा चाचा चाची का ढाबा, जो बड़ा फेमस है यहाँ पे। कुछ ये है रोड कंडीशंस पूरे रास्ते, एक ग्लिम्स देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, इस साइड भी पत्थर है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी पत्थर है, एक वे बना हुआ है, अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, फर्स्ट गियर से ऊपर गाड़ी चल नहीं रही है, 5 से 6 किलोमीटर/घंटे की स्पीड पर चल रही है इस टाइम गाड़ी, इससे तेज जा नहीं सकती है, पत्थर लगने का डर है, मैकेनिक यहाँ पे आपको कोई भी मिलेगा नहीं,
अगर आपके साथ कुछ भी हो जाता है तो आप मतलब फंस गए यहाँ पर। ये देखिए मौसम बहुत ही खराब है और एक खोक्सर तक ये रोड ऐसी ही रहने वाली है। पेट्रोल गाड़ी में कम है, आधी टैंकी है, 35 लीटर्स की 35 लीटर की टैंकी है इसकी और अभी आधी टैंकी बची है। 4 लीटर पेट्रोल मैंने स्पेयर रख रखा है, बट अगर ऐसे ही फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में गाड़ी चलती रही तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इन्हीं गियर में ज़्यादा पेट्रोल पीती है गाड़ी। और नेक्स्ट पेट्रोल पम्प सीधा मनाली में मिलने वाला है, सो फिंगर क्रॉस्ड है, लेट्स सी क्या होता है। रोड इतनी ख़राब है कि मेरी जो बैक है वो सीट में नहीं लग पा रही है, गाड़ी ऐसे चलानी पड़ रही है ऐसे, क्योंकि पूरा ध्यान रोड पे, आगे पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं तो उनको देखना मुश्किल हो रहा है ऐसे करके, बैक भी काफ़ी एक कर रही है, नेक भी एक कर रही है, क्योंकि पूरे रास्ते लोसर के बाद से, कल जब मैं लोसर मैंने छोड़ा था उसके बाद से रोड ऐसी है और गाड़ी भी ऐसे ही चलानी पड़ रही है ऐसे देख के। हम दोनों ही ऐसे ही बैठे हुए हैं तब से। रास्ता जो लोसर से चंद्रताल का रास्ता था जो बहुत ही ख़राब पैच था, उसका भी 3 गुना ख़राब है। ओह शिट, ये तो हटाने पड़ेंगे, हाँ ये पत्थर हटाने पड़ेंगे। लगेंगे सही में लगेंगे, उधर देख लेफ्ट में लेफ्ट में जगह नहीं है यार, वो पिसल जाएगी गाड़ी वहां से। इतनी सी रोड है, इस तरफ खाई है और पूरी गीली रोड है, वाटर क्रॉसिंग है, पानी का बहाव बहुत तेज़ है, आप समझ सकते हैं कि ये बहुत डेंजरस है। बहुत केयरफुली गाड़ी चलानी होगी यहाँ पे, एक गलती और काम ख़त्म। आगे और ज़्यादा बड़े पत्थर पड़े हुए हैं,
सीधा आ जाओ, सीधा आना, सीधा इस तरफ आओ, हल्का इस तरफ, आराम से एकदम स्लो आ जाओ, एकदम स्लो इधर दबाओ गाड़ी को, इधर दबा लो, इधर दबाओ, आ जाओ, आन दो, आ जाओ, आ जाओ इस तरफ, परफेक्ट, आ जाओ, आगे ले आओ, स्लो स्लो, हल्का राइट, परफेक्ट, आ जाओ, आ जाओ, परफेक्ट, राइट, आ जाओ लेफ्ट में काटो अपने, बहुत बढ़िया, सीधा ले आओ, राइडर्स हैं पीछे, ये भी हमारे साथ हमारे रूट में ही मनाली की तरफ जा रहे हैं, इनमें से अभी एक ही बाइक ख़राब हो गई है, हमने टूल दिए इन्हें, खत्म है, मत भरो उसमें, ट्यूब बदल दो, ट्यूब बदल दो, और सारे एग्जॉटिक वजह से उधर अपन आ गए थे क्या, रामकुंडा वहाँ जहाँ ट्यूब फाड़ के लिया है, यहाँ से निकला व्यावर काजा और अभी यहाँ मैं उसमें से है ही नहीं, मैं इन लोग को उधर दिल्ली में बोला कि मैं तो चूतेगिरी कर रहा हूँ तुम लोग, किसने लाया था 37 का भरा दिया था तभी, मैं बोला 34 का प्रेशर फॉल्ट था, आगे 35 भरा हुआ, मेरा 34 था और आगे सब लोगों में स्टार्टिंग से बोल रहा था हवा, तू उधर चेक करने बोला ना हवा दिख रहा है, मैं बोला कम में रहने दे, बाउंस होने दे, कम रहना ठीक है, वो सर चुके वो खाने के निकले तो उससे पहले क्यों निकाल लिया भाई, पीछे वाला है, मैं तुम्हें दो ट्यूब दी थी, एक हिमालयन की फ्रंट दी थी, एक क्लासिक की बैक दी थी, तो क्लासिक की बैक है ना मेरे पास, हाँ तो वही बोल रही है भाई, इसका साइज मिल ही नहीं रहा था कहीं, चित्तौड़ से मंगाई है 3 ट्यूब मैंने, छोटा है, छोटा बहुत है, वो बड़ा है पर टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, ऐसा एक और मिल जाए जुगाड़ तो हो जाएगा, नीचे होगा सीधे नीचे होगा, टायर पंचर हो गए इनमें से की बाइक का, वही लगा रहे हैं, थोड़ा चैलेंज आ रहा है क्योंकि हिमालयन बाइक है आज इसका टायर पंचर हुआ है, और हिमालयन की ट्यूब इतनी आसानी से मिल नहीं रही है इनको क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है, सो अब ये क्लासिक की ट्यूब एडजस्ट कर रहे हैं उसमें, देखते हैं हो पाती है नहीं हो पाती, ये इन औजारों का काम हो गया आपका, इन औजारों का काम हो गया आपका, हो गया, अरे इनका दे दे औजार, हो गया, चलो थैंक यू भैया, ओके बाय 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 बाय, थैंक यू बाय, वेलकम,
फाइनली 90 किलोमीटर्स का जो 90 किलोमीटर की जर्नी थी बिल्कुल ही ऑफ रोड. एक तो ऑफ रोड होती है ठीक है, और एक होता है ऑफ रोड का बाप. ये वो रोड थी चंद्रताल के बाद यहाँ विलेज कोक्सर तक, इतनी ऑफ रोड थी ना मैं आपको बता नहीं सकता. ऐसी रोड्स, मतलब रोड तो थी नहीं बस रास्ता ही था, बहुत ही डेंजरस और बहुत ही बम्पी. पत्थर इतने बड़े बड़े पड़े हुए, हम कैसे निकलवा के लाए हम ही जानते हैं. अब ये प्लेन रोड आ गई है फाइनली, और इसको देख के इतना अच्छा लग रहा है ना. गाड़ी के इंजन पिंजर तो पता नहीं, हमारे इंजन पिंजर जरूर हिल गए इस टाइम पे. अब यहाँ से अटल टनल की दूरी, वो लिखा हुआ अटल टनल 6 किलोमीटर, अटल टनल की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर रह गई है. बहुत अच्छा लग रहा है. हमने जो मेन डेंजरस पार्ट था इस जर्नी का वो ख़त्म कर दिया. अब इसके बाद अटल टनल आएगी, उसके बाद मनाली, वाया मनाली होते हुए हम दिल्ली की ओर निकल जाएंगे. अच्छा मैं आपको एक और काइंडनेस की चीज़ बताऊं हिमाचली लोगों की. हम इस रूट को हमने ऐसे कवर किया जब बहुत ही ख़राब रास्ते आ रहे थे, तो मैं ही ड्राइव कर रहा था, संयम उतर के मुझे गाइड कर रहा था कि इधर काटो भैया, उधर काटो, इधर लो, उधर लो, ऐसे लो, वैसे लो, ये करो वो करो. तो हिमाचली लोग आपको पता ही है इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं. हाँ मैं इन्हीं भैया की आपको बात बताने वाला था. तो मैं भैया ने कहा कि मैंने आपको देखा आप इतने डर डर के चला रहे थे, तो मेरे मन में आया कि मैं आपको बोल दूं कि मैं आपकी गाड़ी चला लेता हूं और आप मेरी जीप, ये इनकी जीप खड़ी है जिप्सी, तो आप मेरी जीप चला लो, मैं आपकी गाड़ी चला लेता हूं, क्योंकि इनको तो रूट्स के बारे में पता होता है कि कहां से कैसे कैसे निकालने. तो ये जो जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है उन गाड़ियों की, उनको भी आराम से निकाल देते हैं. तो आप लेवल ऑफ काइंडनेस समझ सकते हो कि मतलब हिमाचली लोग हेल्प करने के लिए ज़रा सा भी सोचते नहीं और किस लेवल तक हेल्प कर देते हैं. खैर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भैया, हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद. फाइनली अटल टनल पहुँच गए हम. ये मेरे पीछे अटल टनल है, 10,000 फीट की ऊंचाई पे दुनिया की सबसे ऊँची टनल है ये. जनरली लोग उस साइड से आते हैं, मतलब मनाली से होते हुए आते हैं और इस साइड निकलते हैं, बट जैसे कि आपको पता ही है, आपने मेरी वीडियोस देख ही रहे होगे आप, कि मैं वाया शिमला होते हुए स्पीति गया हूँ, तो शिमला की साइड से आया हूँ मैं, गाज़ा होते हुए फिर लोसर होते हुए उसी साइड, इस साइड से आया हूँ मीन्स मैं. अब हम जाएंगे इसके अंदर. अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पे, बहुत ठंडी हवा चल रही है, जनरली भीड़ होती है और बर्फ़ वगैरह पड़ी होती है, इस टाइम पर कोई बर्फ़ नहीं है. चंद्रताल में बहुत मौसम ख़राब था, बट यहाँ पे एकदम सही है मौसम, मौसम बहुत प्लेजेंट हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं. तो चले अंदर, लेट्स गो. डिज़ाइन की गई है, जगह जगह पर वेंटिलेशन पॉइंट्स बनाए गए हैं एंड एग्जिट डोर्स लगाए गए हैं, हर जगह साइन है. और स्पीड ज़रूरी नहीं है 40 किलोमीटर पर आवर की है थ्रू आउट द टनल, बीच बीच में आप जैसे दिखा रहे हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चला सकते हैं. स्टार्टिंग के पैच में 40 किलोमीटर पर आवर था, अब 60 किलोमीटर है. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइन आया 60 किलोमीटर वाला, सी अच्छी लगी हो तो उनको शेयर करें, ताकि जो भी
ट्रिप के लिए जा रहे हैं वो इन वीडियोस को देखने के बाद अपना ट्रिप अच्छे से प्लान कर पाए। सो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।